नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में टाटा मोटर्स का यहां पर प्लांट है, जहां पर मार्को पोलो बसेस और ट्रक्स में यहां पर 4 टन से लेकर 55 टन तक की सारी गाड़ी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सारी आपको असेंबली लाइन भी दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे पार्ट्स बन रहे हैं। हर एक पार्ट यहाँ पर असेंबल होता है, चाहे यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग्स हो, चाहे यहाँ पर एक्सल्स हो, चाहे यहाँ पर लीफ स्प्रिंग्स हो, चाहे हम यहाँ पर चेसिस और बॉडी पार्ट्स की बात करें, हर एक चीज़ यहाँ पर बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको प्लांट की कुछ खासियत बता दूँ। तो यहाँ पर ये प्लांट है, टाटा ने यहाँ पर 1992 में यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हुआ था, 600 एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पर वेल्ड शॉप्स हैं, पेंट शॉप्स हैं, एक्सल शॉप्स हैं, तो असेंबली लाइंस हैं। यहाँ पर 5500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इस प्लांट की अगर एक दिन की मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो 300 व्हीकल्स यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट CNG व्हीकल्स 2001 में रोल आउट हो गया था। कैबिन बनाने के लिए यहाँ पर नई वेल्ड लाइन है जो BAW शॉप में 2017 से है। और आज हम सिग्ना कैबिन को कैसे बनाते हैं, उसको वेल्ड कैसे करते हैं, कैसे उसकी रूफ टॉप लगाते हैं, उसके बाद पेंट करके उसमें छोटे चाइल्ड पार्ट्स हैं वो कैसे असेंबल होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद एक साइड से यहाँ पर चेसिस की असेंबली हो रही है, कैसे यहाँ पर पावर ट्रेन है, एग्रीगेट्स हैं, गियर बॉक्स है, सब चीज़ें वो कैसे फिट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लखनऊ के टाटा प्लांट में हम यहाँ पर हैं और किस तरह से यहाँ पर काम चलता है वो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आज जो हम डिटेल वीडियो ये बना रहे हैं वो है कैबिन जो कैसे बन रहा है। सिग्ना कैबिन यहाँ पर तैयार हो रहा है, प्रीमा कैबिन भी तैयार हो रहा है, स्लीपर और नॉन स्लीपर डिटेल, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक पेट से जाने से पहले कैसे वो कैबिन तैयार हो जाता है तो वो आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये असेंबली, इस तरह की यहाँ पर असेंबली आती है। 3 तरह की जो मेजर वेल्डिंग है वो यहाँ पर रहती है। सबसे पहले आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और साथ में यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग जो कि रोबोटिक्स के द्वारा हो जाती है। उसके बाद जो चौथी लास्ट प्रोसेस में वेल्डिंग है वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी यहाँ पर होती है। 4 वेल्डिंग में यहाँ पर बनते हैं। अभी सबसे पहले जो पार्ट बनकर आया उसको यहाँ पर इन्वर्टेड है, अभी ये सीधा नहीं है, इन्वर्टेड रूप में यहाँ पर आगे शिफ्ट करने वाले हैं। कन्वेयर के सारे होस्ट लगा हुआ है, बस के सारे यहाँ पर आगे कन्वेयर चलेगी। अभी यहाँ पर कन्वेयर नहीं है, ट्रॉली है, ट्रॉली से अभी कन्वेयर पर ये शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप, नीचे जो बेस है वो बेस पहले से यहाँ पर माउंट किया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर कर दिया काम शुरू। और यहाँ पर देखिए स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। को जो पॉइंट्स है उसको होल्ड कर लिया अच्छी तरह से, क्लैंपिंग हो चुकी है, ज़्यादातर मेनली पार्ट है क्लैंपिंग है। उसके बाद कारीगर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, वो यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में आगे जाता है रोबोटिक वेल्डिंग में। यहाँ पर रोबोटिक ये स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर होती है, यहाँ पर 2 रोबोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सारी स्पॉट वेल्डिंग इसको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर फिनिश कर देंगे। और साथ में अगर बात करें उस साइड, यहाँ पर आर्क वेल्डिंग चल रही है, कारीगर आर्क वेल्ड कर रहा है, कन्वेयर नीचे लगी हुई है, कन्वेयर के सहायता से ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे चलता रहता है। रोबोटिक्स की वेल्डिंग यहाँ पर लाजवाब है। पहली बार मैं इतने बड़े प्लांट में गया हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, और हमको ये सौभाग्य मिला कि हम टाटा के प्लांट में जाएँ। आशा करते हैं कि हम जो दूसरे प्लांट्स हैं, पूना प्लांट्स है, जयपुर है, या पंतनगर है, या मदर प्लांट जो जमशेदपुर वाला प्लांट है, वो भी हम कवर कर पाए इसी तरह से। वहाँ पर इंजन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये MNC लाइन है, यहाँ पर 4 कैबिन यहाँ पर इस टाइम पर बन रहे हैं, स्लीपर नॉन स्लीपर में दोनों में ही। इन्वर्टेड रूप से ये अभी चेंज होकर सीधा हो गया है, और सीधा होने के बाद इसको भी फ्रंट फेशिया यहाँ पर आगे लगने वाला है। फ्रंट फेशिया सारा तैयार हुआ है, यहाँ पर ट्रॉलीज लगी हुई है, यहाँ पर रिवर्स भी, यहाँ पर साइड्स, और यहाँ पर साथ में जो विंडोज़ हैं वो भी यहाँ पर लग रहा है। फ्रंट फेशिया अटैच होने के बाद उसी अच्छी तरह से यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ उसको स्पॉट वेल्डिंग होती है, उसके बाद रोबोटिक वेल्डिंग, यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर आगे करते हैं। यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग है, रोबोटिक यहाँ पर उसको पकड़ कर रख लेते हैं। यहाँ पर मशीन्स देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर हैं। मशीन्स में यहाँ पर आपको लाजवाब मशीन्स आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स की मिलने वाली हैं। और आगे चलते हैं
आगे यहाँ पर साइड पैनल्स जो यहाँ पर फिटमेंट कर दिया, यहाँ पर साइड पैनल्स फिट हो गया, बैक यहाँ पर फिट होगी, रूफ यहाँ पर फिट होगी। तो आगे चलते हैं, आगे जैसे जैसे ये सारा काम चल रहा है, ये फ्रंट ग्रिल रही सामने, और MS स्टील माइल्ड स्टील में ये सारी जो स्ट्रक्चरिंग है वो यहाँ पर डाईकास्ट यहाँ पर होती है, और जो भी यहाँ पर छोटे छोटे जो कपलिंग है वो यहाँ पर कपलिंग वगैरह यहाँ पर सारी रखी हुई है। साइड डोर्स यहाँ पर इस तरह से फिटमेंट होती है, इस लाइन पर कारीगर आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं तो वो फिटमेंट कर देते हैं। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर छोटे और पार्ट्स हैं जो यूज़ में आने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आगे डैशबोर्ड की ग्रिल आ जाती है, वो यहाँ पर साइड रहते हैं, वो यहाँ पर फिट होते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कैबिन अभी तैयार हो गया, लिफ्ट होने के बाद ये जाएगा अभी पेंट जॉब में, इसको पूरा पेंट जॉब का आगे प्रोसेस होगा। यहाँ से कैबिन पूरा तैयार हो गया है, क्वालिटी चेक यहाँ पर हो चुका है, जो कैबिन वहाँ पे प्लांट में बन जाता है तो वहाँ पे लिफ्ट होकर वो पेंट बूथ में यहाँ पर आ जाता है। पेंट बूथ में इस तरह का आता है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर पेंटिंग वगैरह करने से पहले डस्ट वगैरह लगी हुआ है, ऑयल वगैरह लगा, क्योंकि MS शीट के में ऑयल वगैरह होता ही होता है, तो वहाँ पर उसको स्टैंड आउट करते हैं। स्टैंड आउट लेकर वहाँ से अंदर से इसकी वाशिंग होती है पूरी इस तरह से, वो वाशिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी सारी धूल मिट्टी है वो सारी यहाँ पर वाश हो जाती है, हर एक चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरह से वाश कर देते हैं यहाँ पर फुल प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ यहाँ पर। और इसका pH लेवल वाटर का थोड़ा सा हीटिंग भी रखा हुआ है और pH लेवल को यहाँ पर यूटिलाइज किया हुआ है, ताकि ये जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है वो बिल्कुल साफ क्लियर यहाँ पर हो जाए। और उसके बाद प्राइमर इसको होने वाला है, वो आपको आगे दिखाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर उसको लेकर आते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्राइमर के अंदर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, इसके नीचे पूरी अच्छी तरह डिप होता है, उसको काफ़ी टाइम डिप भी रखते हैं, ताकि बाहर से तो देखो प्राइमर लग जाता है, इनर पार्ट्स पर डिप हो जाता है, इनर पार्ट्स को कई बार उसको खोलकर पिलर्स वगैरह जो रह जाते हैं या AC के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें यहाँ पर अच्छी तरह से प्राइमर हो पाए, वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से तरीका बाद में चेक भी होता है कि कोई प्राइमर का कोई पार्ट्स है नहीं। प्राइमर के बाद इसको यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद स्क्रबिंग होती है, स्क्रबिंग होने के बाद तब जाकर इसको फाइनल पेंट पर टच दिया जाता है। आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं पेंटिंग जॉब टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में किस तरह हुई। यहाँ पर आपके सामने देखो काउल पेंटिंग यहाँ पर हो रही है, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यार रोबोटिक स्मेल नहीं, टोटल ऑटोमेटिक पेंटिंग यहाँ पर हो रही है। मैनुअली यहाँ पर सिर्फ जो सीलेंट होते हैं, जैसे हम सिग्ना कैबिन की अगर बात करें, इसके जो AC के जो पॉइंट्स होते हैं उसको सीलेंट करने के लिए अच्छी यहाँ पर हमको सीलेंट देनी पड़ती है, या यहाँ पर इनर डोर्स के लिए, तो वहाँ पर ही वो मैनुअली लगते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें वो यहाँ पर टोटली ऑटोमेटिक है, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक ले सकते हो। सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो प्रोजेक्ट होता है वो पेंट जॉब का होता है, और यहाँ में सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ध्यान में यहाँ पर रखने पड़ते हैं। पेंट जॉब पूरा होने के बाद हम चलते हैं ट्रिम लाइन पर। ट्रिम लाइन पर विंडशील्ड हो गई और साइड मड गार्ड्स हो गए, मड फ्लैप्स हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिट होती हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रिम लाइन है वहाँ पर सीटों से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये स्लीपर बर्थ कैबिन यहाँ पर बन रहा है, इसमें किस तरह की फिटिंग अंदर यहाँ पर लखनऊ प्लांट में यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो आप। मैकेनिक यहाँ पर नीचे से काम कर रहे हैं, तो सारा कैबिन है वो पूरा यहाँ पर पूरा तैयार होता है। गियरिंग भी यहाँ पर लग चुकी हैं, और आगे की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो सीट्स वगैरह यहाँ पर फिट हो चुकी हैं, सीट्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, टोटल यहाँ पर सीट्स वगैरह फिट होती हैं गाड़ी में। यहाँ पर ब्लोअर और AC का जो पार्ट है, जैसे एक काउल है यहाँ पर, काउल बनता है, सिग्ना कैबिन बन रहा है, अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर बात करें हम आगे डैशबोर्ड यहाँ पर फिट हो चुका है, डैशबोर्ड फिट होने के बाद यहाँ पर जो माउंटिंग है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, उसके बाद पैड्स वगैरह लग चुके हैं, नीचे यहाँ पर रूफिंग हो चुकी है, जो नॉइसलेस प्रोटेक्शन यहाँ पर कैबिन बनता है वो यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर डैशबोर्ड के जो नट बोल्ट है वो सारे यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं। और आगे की बात करें तो यहाँ पर मिरर फिटिंग यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर मिररिंग फिटिंग हो रही है, के बाद जो भी जैसे गाड़ी तैयार हो जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सॉकेट्स लगे हुए हैं, उसको खोलकर
टेस्ट किया जाता है यहाँ पर मानस इलेक्ट्रिक में। यहाँ गाड़ी सब पूर्ण रूप से यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर वो पॉइंट्स है वो इलेक्ट्रिक है यहाँ पर निकाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर इस रूप से यहाँ पर गाड़ी तैयार हो जाती है। गाड़ी के कैबिन की ट्रिमिंग होने के बाद अब हम चलते हैं एक्सल लाइन पे। एक्सल्स में ड्राइव एक्सल्स यहाँ पर टाटा प्लांट में बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं वो पूरी जानकारी के साथ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो रियर एक्सल है वो यहाँ पर पूरी तरह से असेंबल हो चुका है, जिसमें यहाँ पर ड्रम्स लग चुके हैं, क्राउन पिनियन यहाँ पर लग चुका है, ड्राइव हेड यहाँ पर लग चुका है, एबीएस ब्रेक्स यहाँ पर लग चुके हैं, ब्रेक चैम्बर्स यहाँ पर लग चुके हैं, पूरी तरह से ये असेंबल हो गया। 15 टन से लेकर 55 टन की कैपेसिटी वाला जो मेन एक्सल है जिसको हम ड्राइव एक्सल बोलते हैं वो यहाँ पर बनता है। वो किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या होता है, तो पूरी असेंबली हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर 44 यहाँ पर असेंबली पॉइंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रियर एक्सल की सिर्फ बॉडी आती है, अकेली बॉडी यहाँ पर आती है, उसमें यहाँ पर आगे जो फिटमेंट होती है नट बोल्ट्स की वो उस हिसाब से होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सल आता है उसके ऊपर सीलेंट लगाया था ताकि वो लीकेज ना रहे, उसके बाद लगता है ड्राइव हेड यहाँ पर। देखो पिनियन के साथ सारा जो मेन फंक्शन है जो गाड़ी को रन करता है वो इसी का होता है, इसी के रूप में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट इसी का होता है। और ये जमशेदपुर में बनता है, तो अभी यहाँ पर लखनऊ प्लांट की बात करें तो लखनऊ प्लांट में भी ये बनने लग रहा है। और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर ये टाइट हो जाता है, यहाँ पर ये फिट होता है, लाइन बनी हुई है, असेंबली लाइन बनी हुई है नीचे से और ऊपर से, यहाँ पर सारी क्रेन्स की असेंबली की हुई है। यहाँ पर आगे जाकर ये टाइट हो जाता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर टाइटनिंग हो रही है। टाटा मोटर्स में यहाँ पर यूनिटाइज व्हील बेयरिंग्स आते हैं जिसमें आपको 5 लाख किलोमीटर तक ग्रीस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो वायरिंग की फिटमेंट होती है असेंबली लाइन में वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर यूनिटाइज व्हील बेयरिंग्स यहाँ पर फिट किया हुआ है, उसकी यहाँ पर ग्रीसिंग यहाँ पर हो रही है, पूरी असेंबली लाइन यहाँ पर हो रही है और वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम किया हुआ है। और साथ में जेंट्स और लेडीज को एक बराबरता यहाँ पर दी हुई टाटा मोटर्स ने। और ये जो हब है उसके बाद यहाँ पर एक्सल लाइन आ गई, उस एक्सल लाइन में ये बाद में यहाँ पर फिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक्सल्स की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर चल रही है और लीकेज, सबसे पहले लीकेज की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक साइड से ऑयल भर दिया और जो लीकेज है वो यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है ताकि कोई भी यहाँ पर डिफेक्ट ना हो एक्सल्स में पूरी अच्छी तरह से। और मेन बात है कि यहाँ पर 15 टन से लेकर 55 टन के जो एक्सल्स हैं वो सारे एक्सल्स यहाँ पर बनते हैं। एक्सल लाइन के बाद चलते हैं हम असेंबली लाइन पर। असेंबली लाइन पर सारे पुर्जे हैं वो यहाँ पर कैसे जुड़ते हैं पर देख सकते हो आप। जो चेसिस है लखनऊ प्लांट में वो किस तरह से यहाँ पर अपर साइड से यहाँ पर नीचे आ रही है और ये एक बार है वो उल्टी आ रही है, सीधी नहीं आ रही, यहाँ पर उल्टी चेसिस यहाँ पर नीचे आ रही है, इस लाइन पर यहाँ पर आएगी आएगी और उस लाइन के आगे के बाद यहाँ पर आगे जो एग्रीगेट्स पार्ट्स हैं या पीछे यहाँ पर लिप्स है वो यहाँ पर फिटमेंट होने वाली है। यहाँ पर देखो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमको इतना मौका मिला है, चांस मिला है हमको इसको कवर करने का, तो हम ये हाथ से गवारा नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत ही लाजवाब, ये 6 टेरा गाड़ी की चेसिस है जो 32 फिट वाला वेरिएंट है 1918 उसकी यहाँ पर चेसिस है। ये यहाँ पर जैसे ही चेसिस की असेंबली यहाँ पर होती है साथ ही साथ यहाँ पर जो वायरिंग है उसका काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। वायरिंग सबसे पहले गलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक वायरिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है और नीचे में जो लाइन है वो साथ साथ चलती रहती है। रेल की पटड़ी टाइप बनी हुई है, जैसे यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं हर एक नट बोल्ट टाइट हो रहा है तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो लाइन बढ़ जाती है आगे आ जाता है, साथ में प्रेशर पाइप्स के यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और एक साइड यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग पड़ रही है तो एक साइड यहाँ पर प्रेशर पाइप्स यहाँ पर पड़ रहे हैं। बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड मैकेनिक्स यहाँ पर हो जाती है, डक्को भी यहाँ पर एयर किट लग चुकी है, हर एक चीज़ यहाँ पर पहले से तैयार मिलती है और सिर्फ फिटिंग करनी होती है, लगानी होती है तो वो ईजिली यहाँ पर लग जाती है। उसके बाद ये इतना सारा काम होने के बाद जो यहाँ पर रियर गार्ड हो गया उसकी यहाँ पर
फुट लग जाते हैं। और रही पर बात यहाँ पर किट्स वगैरह सारी इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पर फिर आगे बात कर ले हम, यहाँ पर किट्स इंस्टॉल हो जाती हैं। और ये जो गाड़ी के लिए 4 टन से लेकर 55 टन की सारी असेंबली यहाँ पर रह जाती है। और यहीं पर बात कर रही लीफ सिग्नल्स, यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर लग चुकी है, उसके बाद रियर गार्ड यहाँ पर लग चुका है। सारे जो साथ में जो पार्ट्स जो लगने वाले हैं वो सारे साइड माउंटेड रहते हैं, एक साइड सारे माउंटेड रहते हैं, एक साइड दूसरी साइड माउंटेड। जैसे यहाँ पर जो बम्पर लगने वाले हैं, फ्रंट बम्पर्स हो गया, बैक बम्पर हो गया, वो यहाँ पर हैं। और जो लीफ सिग्नल्स हैं, जो कमानी पट्टी हम बोलते हैं, वो यहाँ पर है। अभी ये कमानी पट्टी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, पूरी एक्यूरेसी के साथ, सटीकता के साथ यहाँ पर ये पूरा काम है वो यहाँ पर होता है। और यहीं पर बात करें, ये गाड़ी की सारी चेसिस है वो यहाँ पर उल्टी करके रही हुई है, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, गाड़ी के नीचे घुसना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ये ब्रेक चैम्बर्स आ गए, यहाँ पर ब्रेक कुप्पे जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर फिट होने वाले हैं। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो उस टाइप कमानी डाली थी, हुक डाल दी थी, और उसके बाद किंग पिन डाल दी थी, उसके बाद अभी इसको यू क्लैंपिंग होगी। तो यू क्लैंपिंग आगे और पीछे यहाँ पर यू क्लैंपिंग होने वाली है, यहाँ पर इतना पार्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और रही बात आगे की, तो यहाँ पर आ जाता है, गाड़ी को असली रूप यहाँ पर मिल जाता है, जो रियर एक्सल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। टाटा का यहाँ पर रियर एक्सल यहाँ पर इंस्टॉल होता है बिना टायर्स के साथ, ओनली यहाँ पर ड्रम्स यहाँ पर लगे होते हैं, लेदर ड्रम्स यहाँ पर लगे होते हैं। और यहीं पर आगे बात करें हम चेसिस की, तो आगे में यहाँ पर फ्रंट एक्सल भी यहाँ पर लग जाता है, फ्रंट एक्सल यहाँ पर लग चुका। ये गाड़ी है वो अभी जो लाइन जो चल रही है वो 1918 6 टायरा की यहाँ पर लाइन चल रही है। जैसे जैसे गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग आगे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और गाड़ी में यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन में बनती है। यहाँ पर ब्रेक पैडल्स कुप्पे, जिसको ब्रेक कुप्पे हम यहाँ बोलते हैं, बैपको के यहाँ पर वो लग चुके हैं। और यहाँ पर जो यू क्लैंपिंग की स्ट्रेंथनिंग है वो यहाँ पर पूरी कंप्यूटराइज तरीके से, यहाँ पर मैकेनिक्स पूरे अच्छी तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साथ में पैरामीटर्स हैं, उनकी मार्किंग है, वो पूरी मार्किंग को पूरी कवर कर रहे हैं। चेसिस को आगे रूप देने के लिए यहाँ पर और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो रही हैं, जैसे SCR सिस्टम है, जो ATS सिस्टम है उसके जो ब्रैकेट्स है वो यहाँ पर लग चुके हैं, और प्रेशर टैंकी, छोटी प्रेशर टैंकी है वो यहाँ पर लग चुकी है, प्लस SCR सिस्टम का जो हैंडलिंग पाइप है वो यहाँ पर लग चुका है। कुछ आगे वाले यहाँ पर जो अगर हम कैबिन की बात करें, अगर चेसिस के फिट है तो वह यहाँ पर फिट हो जाते हैं, अगर यहाँ पर अल्ट्रा कैबिन हम लगाते हैं तो यहाँ पर उस तरह से यहाँ पर फिटमेंट यहाँ पर हो जाती है। और नेक्स्ट रूप में जो चेसिस यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं उसमें यहाँ पर यूनिवर्सल शाफ्ट है वो यहाँ पर लग जाती है, यूनिवर्सल शाफ्ट लग जाती है, प्रेशर टैंकी लग रही है। पर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में, क्योंकि ये गाड़ी उल्टी बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नीचे काम करना बहुत मुश्किल है, ऊपर से काम करना यहाँ पर बहुत ही आसान रहता है। सारा जो सिस्टम है वो क्रेन से साथ सिस्टमेटिक यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर आ गया, हड़बड़ी वाला काम नहीं है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर अलाइनमेंट किया हुआ है। यहाँ पर वर्कर्स देख सकते हो, जो यहाँ पर मैकेनिक्स है वो बहुत ही ट्रेनी है, उसकी रोज सुबह यहाँ पर मीटिंग होती है क्या हमने प्रोडक्शन यहाँ पर करनी है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम SCR सिस्टम, ये बड़ा SCR सिस्टम है जो HCV गाड़ी में यहाँ पर यूज़ होता है, जो छोटा सिस्टम है वो LCV ICV में यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर अभी फिट होने वाला है, वो यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद उसकी आगे यहाँ पर टाइटिंग होगी, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखते हो जो SCR सिस्टम की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर लग चुका है, जो सारे जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर ये काम करता है HCV का सिस्टम। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है, यहाँ पर जो चेसिस है उसको सीधा करा जाता है, अभी ये चेसिस यहाँ पर सीधे होने आई है, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको अच्छी लगेगी ताकि ये गाड़ी सीधी हो जाए। पट्टा बेल्ट यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर गाड़ी ये चीज सीधी हो जाती है, जैसे ये चेसिस यहाँ पर सीधी हो जाए, यहीं पर लाइन पर ये गाड़ी सीधी होने वाली है।
अभी तो हमने चेसिस को सारा उल्टा देखा था, तो यहाँ पर अभी चेसिस यहाँ पर सीधी हो चुकी है। और सीधी होने के पहले सबसे जो मेन काम है वो है गाड़ी में यहाँ पर स्टेयरिंग बॉक्स फिट करना। स्टेयरिंग बॉक्स फिट कर दिया, एक सिलेंडर यहाँ पर फिट कर दिया, और जो पाइप्स जो नीचे दिए होते हैं वो सारे ऊपर निकाल दिए जाते हैं, और साथ में जो एयर पाइप्स हैं, जो एयरलाइन है, जो लोहे की है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है। साथ में यहाँ पर गियर बॉक्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और आगे जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो उस तरह से यहाँ पर काम यहाँ पर चलता जाता है। यहाँ पर जो SCR सिस्टम है, SCR सिस्टम की जो यहाँ पर लाइनिंग है वो यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर इंजन है, जैसे यहाँ पर जो इंजन की जो फिटमेंट है वो यहाँ पर होने वाली है। चेसिस बिल्कुल सटीकता से यहाँ पर रुक चुकी है और बिल्कुल प्रसाइज ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है। इंजन का जो पार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजन यहाँ पर इस गाड़ी में यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पर कमाल की बात तो ये है, कितने स्लीक ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है। बिल्कुल जो मैकेनिक्स है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो यहाँ पर प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। हर एक ने यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो भी जरूरी एसेंशियल इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर पहने हुए हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बहुत ही स्लीक ढंग से यहाँ पर पूरी सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर जो मैकेनिक्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हो इसको डाउन कर रहे हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, जैसे वो अपने पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, किरण सर जैसे पोजीशन है वो उसी वक्त यहाँ पर मैकेनिक जो खड़ा है, वो कारीगर जो खड़ा है, वो डाउन इसको कर देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल स्लीक ढंग से यहाँ पर डाउन कर रहा है। जो माउंट बने हुए हैं इंजन के, उसमें यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर बोल्टिंग टाइट यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर वो बोल्ट है उसमें यहाँ पर, अभी ये जो गाड़ी बन रही है वो टाटा 1918 यहाँ पर बन रही है। जैसे यहाँ पर असेंबली लाइन होती है, ये इंजन भी साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस साथ में यहाँ पर गियर बॉक्स भी यहाँ पर फिट हो रहा है। गियर बॉक्स फिट होने के बाद साथ में यहाँ पर जो यूनिवर्सल शाफ्ट है वो भी यहाँ पर साथ में अटैच हो जाएगी। और गाड़ी है वो यहाँ पर, गाड़ी की जो पावर ट्रेन है वो एक्चुअली में यहाँ पर देख सकते हो आप, जो इंजन है और साथ में जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर बिठा दिया है चेसिस में। और गाड़ी हमको यहाँ पर कि 40% गाड़ी हमने को देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से यूनिवर्सल शाफ्ट है उसको भी यहाँ पर गियर लीवर के साथ जोड़ दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पर बोल्टिंग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हो रही है। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आगे में बात करें तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर डीजल फिल्टर्स लग चुके हैं, प्लस यहाँ पर रेडिएटर, इंटीकूलर की यहाँ पर असेंबली हो चुकी है, एयर क्लीनर की टर्बो यहाँ पर लग चुकी है, साथ में उसकी लाइनिंग है वो यहाँ पर लग चुकी है। उसके बाद एयर क्लीनर यहाँ पर साइड पर रखा हुआ है, उसकी बोल्टिंग टाइटनिंग अच्छी तरह से यहाँ पर हो रही है, थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे मूव भी कर रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टिल्टेबल कैबिन होता है, अगर हम ये काउल चेसिस बना रहे हैं तो ये पार्ट्स नहीं लगते। अभी इस गाड़ी पर जो अल्ट्रा कैबिन या सिग्ना कैबिन लगने वाला है उसके जो माउंट्स है वो यहाँ पर फिट हो चुके हैं, वो उस हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। ऊपर यहाँ पर देख देते हो आप, पूरी लाइनिंग इंजन की कवरिंग वो यहाँ पर हो चुकी है। आगे हॉर्न वगैरह भी गाड़ी में यहाँ पर लग चुका है। और जैसे यहाँ पर आगे जो मैन्युफैक्चर हुई है गाड़ी, ये CNG गाड़ी बन रही है यहाँ पर, तो CNG में यहाँ पर CNG के जो टैंक्स है वो यहाँ पर लग हुए हैं, उसकी टाइटिंग यहाँ पर हो रही है, पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर कवरिंग हो रही है। जो बैटरी बॉक्स है वो यहाँ पर साथ में लग चुका है। यहाँ पर एक गाड़ी के इंजन है वो 5.5 लीटर का यहाँ पर टर्बोट्रॉन इंजन यहाँ पर लग रहा है। जो पीछे हम गाड़ियाँ कवर कर रहे थे उसमें यहाँ पर क्यूमिंग का यहाँ पर इंजन लगा हुआ था। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जो चेसिस फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जो एक्सल है उसको ABC वायरिंग यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है, प्लस यहाँ पर जो CNG टैंक्स यहाँ पर लगे थे उसकी ब्रैकटिंग यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर ब्रैकटिंग हो रही है, प्लस उसके जो फ्यूल के पाइप्स हैं वो यहाँ पर अटैच हो रहे हैं इंजन के साथ। और यहाँ पर उसके जो ब्रैकेट यहाँ पर लगाए थे वो यहाँ पर टाइट हो रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर कैबिन आता है और आराम से यहाँ पर चेसिस पर फिट हो जाता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ऊपर क्रेन लगी हुई है,
वहां पर ये कैबिन है वो यहाँ पर आ रहा है नीचे क्रेन की सहायता से। हर एक तरह की गाड़ी यहाँ पर बन रही है, 4 टन से लेकर 407 से लेकर 55 टन तक घोड़े तक हर एक गाड़ी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग हो रही है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की यहाँ पर गाड़ियां बन रही है। अभी जो ये गाड़ी है 6 टायर LPT CNG गाड़ी यहाँ पर बन रही है, जिसमें टाटा का यहाँ पर इंजन लगा हुआ है और यहाँ पर ऊपर कैबिन आ रहा है, पूरा फुली बिल्ट बना बनाया कैबिन यहाँ पर ऊपर रखा जाता है। ये कैबिन जो असेंबली लाइन है वो कैबिन असेंबली लाइन में बनता है, तो यहाँ पर ऊपर में वो आता है, वहाँ पर असेंबली और भी कैबिन के यहाँ पर हुई है। वहाँ पर अगर आप गौर कीजिए तो वहाँ पर काउच चेसिस का कैबिन भी यहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर जो 16 चक्का 14 चक्का गाड़ी में यहाँ पर यूज़ हो रहा है, 250 वाला यहाँ पर देते हो नीचे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कैबिन डाउन आ रहा है बिल्कुल सटीकता से, और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कमाल की बात है, कमाल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। टाटा मोटर्स ने हमको ये मौका दिया ताकि हम ये कवरेज शूटेज पूरी यहाँ पर कर पाएँ, बहुत हम खुश नसीब हैं। यहाँ पर देखिए जो मैकेनिक्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बिल्कुल ट्रेंड हैं, बहुत ठीक से काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या चीज़ क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ रही है। कोई की मिस्टेक की तो यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, ना ही वो होती है, हर एक स्लीक ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर हेडलाइट्स वगैरह, बम्पर वगैरह नीचे लगाया, वाइपर्स वगैरह, प्रॉक्सिमिटी मिरर्स वगैरह, डोर्स वगैरह, और नीचे जो नॉइज प्रोटेक्शन इंजन का जो नॉइज अंदर आ जाए उसके लिए जो कवरिंग होती है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। जो सीट्स हैं असेंबली वो पहले फिट हो चुकी है, उसके ऊपर यहाँ पर आसानी से यहाँ पर कैबिन ये रखा जाता है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे ये कैबिन नीचे आता है तो जो पूरे वर्कर्स हैं वो यहाँ पर एकजुटता से लग जाते हैं उसको अच्छी तरह से यहाँ पर फिट करने के लिए। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कैबिन फिट हो जाता है, फिट होने के बाद जो पूरे नट बोल्ट है टाइट वो अच्छी तरह से यहाँ पर देखे जाते हैं ताकि वो कैबिन अपनी ठीक पोजीशन पर बैठा है। उसके बाद आगे पॉइंट पर यहाँ पर उसको अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। जैसा भी कैबिन है, चाहे LPT कैबिन है, चाहे यहाँ पर काउच चेसिस है, या यहाँ पर प्रीमा कैबिन है, या सिग्ना कैबिन है, या अगर बात करें हम अल्ट्रा कैबिन की, पूरे कैबिन यहाँ पर पूरे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में यहाँ पर होते हैं। जैसे ही यहाँ पर कैबिन ऊपर रखा जाता है चेसिस पर, या काउच डैशबोर्ड रखा जाता है, तो यहाँ पर मार्किंग हो जाती है, पूरे लीक्स वगैरह की यहाँ पर मार्किंग हो जाती है भी हाँ वो सही ढंग से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, साइड मड फ्लैप्स यहाँ पर लग चुके हैं। आगे वाले अगर बम्पर्स की बात करें तो यहाँ पर बम्पर फिटमेंट हो चुका है, जो लीकेज है वो पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर लीकेज टेस्ट यहाँ पर अच्छी तरह से होते हैं, ताकि जो चेसिस की जो असेंबली है वो अच्छी तरह से हो जाए। बैक लाइट्स की असेंबली यहाँ पर हो चुकी है, बैक लाइट्स असेंबली हो चुकी है, प्लस यहाँ पर स्पेयर व्हील भी यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर स्पेयर व्हील की यहाँ पर माउंटिंग यहाँ पर दी है, स्पेयर व्हील का यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर देखो कितने सारे डीजल टैंक यहाँ पर रखे हुए, 300 लीटर की पैसे का 300 लीटर यहाँ पर डीजल टैंक दिए हुए हैं, वो यहाँ पर लगने वाले हैं। अगर CNG गाड़ी है तो CNG टैंक पहले लग जाते हैं, अगर डीजल वाली गाड़ी है तो यहाँ पर CNG टैंक लग जाते हैं। और यहीं पर बात करें हम फ्रंट व्हील की, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर फ्रंट व्हील की यहाँ पर फ्रंट एक्सल में यहाँ पर असेंबली हो जाती है, ये काम हो रहा है। मशीन्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पर ये कनेक्टर साइड है, उस साइड यहाँ पर ड्राइवर साइड यहाँ पर लगने वाला है, लाजवाब यहाँ पर काम यहाँ पर लखनऊ प्लांट में यहाँ पर इस टाइम चल रहा है। और यहीं पर आगे की अगर तरफ बात करें तो यहाँ पर जो मेन एक्सल है उस पर यहाँ पर टायर्स यहाँ पर फिट हो रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है EDC है वो यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर लग जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आगे में जो चेसिस है उसमें यहाँ पर देखते हो जो थोड़े की पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग के वो यहाँ पर नो डाउन यहाँ पर हो जाते हैं। और रही बात आगे में जो चेसिस है वो पूरी तरह बन के यहाँ पर तैयार है, उसमें थोड़ी मोटी जो गुंजाइश है बैटरी बॉक्स वगैरह रखना वो यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जो कैबिन है वो लिफ्ट कर टिल्ट कर उसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं जो इंस्टॉल किए हैं उसकी जो कपलिंग है उसकी जो वायरिंग है या प्रेशर पाइप्स की जो वायरिंग है उसको इंस्टॉल करना है, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं उसको इंस्टॉल करना होता है, जो 3-4 पॉइंट्स पर उसको इंस्टॉल करते हैं। बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पर जो ऑयल वगैरह है वो यहाँ पर डाल रहे हैं, जो चेकिंग है पार्ट्स की वो यहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग हो रही है। यहाँ पर स्कैनिंग स्टिकर पेज यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है उसमें यहाँ पर पूरी स्कैनिंग होती है, मैडम के हाथ में स्कैनर है वो स्कैन कर आगे भेजती है। यहाँ पर इस तरह से ये गाड़ी चेक हो जाता है। उसके बाद जो पहले जो असेंबली लाइन आ रही थी वो ये गाड़ी भी वहीं से बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर देखिए ये लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर जब सारी गाड़ी यहाँ पर तैयार हो जाती है, जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर गाड़ी में अपडेट हो जाता है, तो यहाँ पर जो गाड़ी है वो रोल आउट हो जाती है, असेंबली लाइन से यहाँ पर गाड़ी छूट जाती है, गाड़ी को पहली बार गाड़ी को सेल्फ लगाता है। तो यहाँ पर देखते हो
250 हॉर्स पावर का इस गाड़ी में यहाँ पर इंजन लगा हुआ है। तो पहली बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, फर्स्ट टाइम ये इंजन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है गाड़ी में यहाँ पर, और रोल आउट यहाँ पर ये गाड़ी होने वाली है। पहली बार यहाँ पर गियर्स डल रहा है, गाड़ी की जो असेंबली है पावर ट्रेन है वो पहली बार यहाँ से मूव करती है। अभी मीटर रीडिंग है वो गाड़ी की यहाँ पर 0-0 हो जाती है। उसके बाद जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो यहाँ पर व्हील अलाइनमेंट यहाँ पर होने वाली है और डायनोमीटर यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देखते हो अभी जो गाड़ी यहाँ पर जो रोल आउट हुई थी तो वो यहाँ पर डायनो टेस्ट के लिए आई है। जो यहाँ पर देखते हो मेन एक्सल है उसकी यहाँ पर डायनो टेस्ट है, वो स्पीड है, वो स्पीड लिमिट के हिसाब से यहाँ पर डायनो टेस्ट है। वहाँ पर यहाँ पर देखो थर्ड गियर में भी डाल रहे हैं, वहाँ पर 40 की स्पीड यहाँ पर दिखा रही है, वहाँ पैरामीटर्स में यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पर देख दो। तो पूरे यहाँ पर राइट टू लेफ्ट यहाँ पर डाइनो पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर दिखा रही है। तो मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, बाप रे बाप, अभी फुल स्पीड पर ये गाड़ी जा रही है, 80 किलोमीटर पर आर की जो फुल स्पीड है उस पर ये गाड़ी जा रही है। तो इस वीडियो में यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर टाटा की गाड़ियाँ कैसे यहाँ पर चेसिस के रूप में बिल्कुल लोहे के गार्डर के रूप में यहाँ पर आती है, और कैसे यहाँ पर चेसिस रोल आउट यहाँ पर हो जाती है पूरी एग्रीगेट्स पावर ट्रेन्स के साथ, डीजल टैंक के साथ और यहाँ पर एक्सल के साथ। अगर आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो और टाटा का जो लखनऊ वाला प्लांट आपने पहली बार देखा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।